यूपी के पीलीभीत में हाई स्पीड से वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं है। यह सरकार द्वारा परिवहन विभाग को इंटरसेप्टर वाहन दिया गया है, जिसमें लगे यंत्र द्वारा हाई स्पीड से चलने वाली वाहनों की जांच की जा सके, उन वाहनों के खिलाफ ऑटोमेटिक चालान कर सकेगा। वहीं पीलीभीत के एसपी अविनाश पांडे ने मौके पर पहुंचकर इंटरसेप्टर वाहन में लगी यंत्र का ट्रायल करके देखा। वहीं एआरटीओ वीरेंद्र सिंह का कहना है कि इससे होने वाली दुर्घटनाओं पर विराम भी लगेगा। दरअसल मामला जनपद पीलीभीत का है, जहां आज एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में नकटादाना चौराहे पर अपनी टीम के साथ यमराज बनकर दौड़ रहे वाहनों की इंटरसेप्टर वाहन में लगी यंत्र से चेकिंग कर ट्रायल किया। वहीं एआरटीओ वीरेंद्र सिंह का कहना है कि यह यंत्र हाई स्पीड में चलने वाले वाहनों की ऑटोमेटिक तरीके से चालन काट सकेगा, होने वाले दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। पीलीभीत से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए ब्यूरो चीफ मोहम्मद जनूल की रिपोर्ट। सर, एक गाड़ी मिली है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं उसमें, क्या है गाड़ी और क्या इसमें का काम है? यह वाहन इंटरसेप्टर है। जो भी रोड एक्सीडेंट होती है उसमें ओवर स्पीडिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो इस वाहन से जो है ऑटोमेटिक किसी भी वाहन की स्पीड जो है वो ट्रेस हो जाती है। जैसे हाईवे पर अगर किसी जो भारी वाहन है, अगर उसकी स्पीड जो बस ट्रक है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर है, कोई एलएमबी है उसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा से है, तो वह ओवर स्पीडिंग के दायरे में आता है। तो ऐसे वाहन जिनसे एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है, यह इंटरसेप्टर के द्वारा उसकी ओवर स्पीड की जो है माप ली जाती है और उसके द्वारा ऑटोमेटिक चालान जो है कर दिया जाता है। ये कब से यूज़ करेंगे आप? अभी एक सप्ताह पहले आई हुई है, तो अभी इसको किया जा रहा है। निश्चित ही एक दो दिन में इसको जनपद पीलीभीत में विभिन्न मार्गों पर इसको संचालित कराएंगे। क्या फ़ायदा होगा इससे? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो ओवर स्पीड लोग कर रहे हैं उन पर चलान हो गए, तो लोग स्पीड के कंट्रोल में चलेंगे, इससे दुर्घटनाएँ कम से कम होंगी। थैंक यू।